तो जैसा क्वेश्चन आपके पास है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये। आप फाइनल याद रखेंगे इस रिजल्ट को जो भी आएगा। खैर देखिए क्या है, ए मैट्रिक्स दी गई है और 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम क्या कहेंगे, 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा आपका, इट कुड बी 3 टाइम्स 101 एंड 0 1 2 0 0 4। 3 हर एंट्री में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मैट्रिक्स में आप किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट 3 0 एंड 3, फिर 3 0 जा 0 0, फिर 3 और 3 2 जा 6, 0 0 और 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। तो ये तो आपकी आ गई 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट। 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 और 0 0 3 0 6 12। अब क्या किया जाए, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया जाए, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते यू गेट द सेम आंसर। लेकिन हम लोग जब मैक्सिमम जीरो जो भी रो या कॉलम कंटेन करती है उसके अबाउट खोलते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो, है ना, वैल्यू तो हर जगह से सेम आनी है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग अबाउट क्या कर देंगे, C1 यहाँ पे लिख देंगे, एक्सपेंडिंग अबाउट C1। आप नीचे ट्राई करिए, नीचे लिखिएगा, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अबाउट C1। क्या हो जाएगा आपका, 1 ये बंद और ये बंद कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3 टाइम्स 12 3 जा 36 और माइनस 0 मतलब 36 आएगा, एंड दैट कुड बी रिटेन एज ए 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9 प्लस 1 10, है ना। तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 108 से इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो कंसिडरिंग ट्वेंटी सेवन टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, तो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा आपके पास, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए क्या था आपका, 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4 हो गया, ठीक है। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको भी हम C1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे क्योंकि C1 कॉलम में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग, और लिखना ज़रूरी नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, तो ये 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये क्लोज क्लोज 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट आल्सो कम्स आउट टू 108, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हेंस प्रूव।